झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ जिला शाखा के बैनर तले मंगलवार को सात सूत्री मांगों को लेकर डीसी ऑफिस परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष वशिष्ठ कुमार सिंह व संचालन मंत्री लखन प्रसाद रजक ने किया। धरना प्रदर्शन में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह उपस्थित थे। इस दौरान उपायुक्त ने अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह किया गया। धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला मंत्री लखन प्रसाद रजक ने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी 15 वित्त का एमबी निर्गत करने में कोताही बरतते हैं, जिस पर रोक लगानी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति नहीं होने के मामले में केवल पंचायत सचिव के वेतन पर रोक लगा दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। इस बाबत अशोक सिंह ने बताया कि इन लोगों ने पूर्व में बैठक कर पंचायत सचिव के मांगों को पूरा करने से संबंधित आवेदन उपायुक्त को सौंपे थे। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं को कर्मचारी पदाधिकारी मिलकर उसे पूरा करते हैं, लेकिन कुछ दिनों में पंचायत सचिव का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेंगाबाद और गांडे प्रखंड के पंचायत सचिव का वेतन कई महीनों से रोक दिया गया, जिसके कारण उन पंचायत सचिव को घर चलाने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने उपायुक्त से जल्द पंचायत सचिव के समस्याओं को दूर करने की मांग की। इस बाबत पंचायत सचिव के जिलाध्यक्ष ने बताया कि आवास के नाम पर पंचायत सचिव से शोषण किया जा रहा है। मौके पर रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा, रूपलाल महतो, काशीनाथ प्रसाद, शंकर कुमार पांडे, दिनेश महतो, सुनील पांडे समेत सभी प्रखंडों के पंचायत सचिव मौजूद थे। देखिए, आज पंचायत सचिव संघ जिला शाखा की ओर से उपायुक्त के यहाँ धरना दिया जा रहा है। इसके पहले हम लोगों ने मीटिंग करके उपायुक्त को पत्र दिया था सात सूत्री मांगों को लेकर। हम लोगों ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि सरकारी योजना में कर्मचारी पदाधिकारी मिलकर उसको सफल करते हैं, लेकिन एकाध ऐसे पदाधिकारी हैं कि योजना में सफलता की चिंता उनको नहीं रहती है, अपना पॉकेट की चिंता उनको होती है। वो जाते हैं गाड़ी लगा करके और हम लोगों का शोषण करते हैं। इसलिए डीसी साहब को कह दिया था, संभवतः डीसी साहब ने संज्ञान में लिया कि जब से हम लोगों ने पत्र दिया है उस दिन से पदाधिकारी अब फील्ड में नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ बुला के बैठे करें, अच्छी बात है, हमसे प्रगति प्रतिवेदन लें, जानकारी लें। अगर हमने कोई गलती किया तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई करें, तो इसमें हम उनका सराहना करेंगे। लेकिन गाड़ी या वो बेटी का शादी कर लेता है और पंचायत सभा कहता है कि मकान उसका नहीं बनेगा तो वेतन तुम्हारा बंद कर देंगे। अगर हमको हमारी जिम्मेवारी रहती, हम अगर बनाना होता, कोई एजेंसी रहता जिसको पैसा हम देते जिम्मेवार थे, हम तो प्रयास यह कर रहे हैं कि उसको जब मिलने जाते हैं घर में रहता है कहता क्या लो पंचायत सेब का, बस डुबक जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमने उनसे मांग किया कि अगर जोर लगाना है तो ऐसी परिस्थिति में अगर वेतन रोकना है वीडियो समेत सबका वेतन रोक दीजिए ना, ताकि जो गाड़ी दिए हैं वीडियो साहब को वो घुमाने के लिए दिए हैं, गैस सिलेंडर खरीदने के लिए दिए हैं, कोयला ढोने के लिए दिए हैं, उनको कहिए कि आज पूर्वोत्तर हम लोग का निर्धारित कार्यक्रम था 10-23 को बैठक। हम लोगों ने पूर्व में ही जिला के उपायुक्त महोदय को चिट्ठी के माध्यम से सूचित किए हैं कि हम लोगों के ऊपर पंचायत सचिव पर जो आवास के नाम पर शोषण किया जा रहा है, पदाधिकारियों द्वारा जो हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, खास करके DRDA निदेशक जहां भी जाते हैं जिस प्रखंड में मुद्रा मोचन की बात करते हैं जांच के नाम पर। दूसरी बात, वैसे प्रखंड विकास पदाधिकारी जहां हमारे पंचायत सचिव के पदभार पर जनसेवक भी हैं उनको वेतन दे दिया जाता है, लेकिन आवास के नाम पर पंचायत सचिवों को भुगतान नहीं किया जाता है। आज 4 माह से वैसे पंचायत सचिव जो प्रखंड विकास पदाधिकारी भेंगाबाद के द्वारा भयानक रूप से दोहन किया जा रहा है, और यहाँ तक पता चला है गुप्त सूचना से कि वेतन के भुगतान के नाम पर राशि का दोहन किया जा रहा है। यह बहुत काफ़ी खेद और दुख का बात है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं, जो हमारे साथी आज सेवानिवृत्त हो गए हैं बाबूजी मरांडी, उनको जो है सो ससमय उनका लौना पौना भुगतान करने का हम उम्मीद करते हैं जिला प्रशासन से। खास करके हमारे साथी जो चलता है वहाँ जिला कार्यालय खुद MB इशू करता है, जब जो है सो DRDA काज कराता है वहाँ MB खुद इशू करता है। पंचायत एक ऐसा क्या है योजना जो पंचायत मुखिया पंचायत सचिव उसको MB को प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से MB निर्गत किया कराया जाता है, यह प्रक्रिया को समाप्त कराया जाए, अन्यथा विकास का कार्य में बाधित होता है। सरकार का वही निर्देश है कि तमाम पंचायत सचिवों जो है सो तमाम पंचायत में राशि पड़ी हुई राशि खर्च करें, विकास का कार्य करें, लेकिन MB नहीं निर्गत करने के कारण आज राशि भी खर्च नहीं हो पा रहे। ऐसे परिस्थिति में तमाम पंचायत सचिव के मांगों पर हम चाहते हैं कि उपायुक्त महोदय इसको जो है सो ध्यान आकृष्ट करें और हम लोगों को यह सब मांगों को पूरा करें, इसीलिए आज हम लोग खास करके बैठे हैं। अगर यह सब मांग हम लोगों का नहीं किया गया, 17 तारीख हम लोग देखते हैं, इंतजार करते हैं, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, पुनः हम लोग एक कठोर निर्णय लेंगे, और हो सकता है तो हम लोग इस जिले के तमाम पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम
40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नव निर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोर्ट रोड गिरिडीह। बड़ा चौक स्थित अरविंद स्टोर में अरविंद और यूएस पोलो जैसे प्रीमियम ब्रांड की सेटिंग, शूटिंग व रेडीमेड कपड़ों का अल्टीमेट कलेक्शन मौजूद है। टॉप ब्रांड अरविंद में शर्ट पैंट, कोट पैंट, जीन्स, ट्राउजर, शर्ट, टी शर्ट, ब्लेजर, सूट, टाई, बेल्ट, पॉकेट स्क्वायर उपलब्ध है। अरविंद के कपड़ों में 30% से 50% तक की छूट दी जा रही है। वहीं प्रीमियम ब्रांड यूएस पोलो में शानदार जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, अंडरगार्मेंट्स का बढ़िया कलेक्शन मौजूद है। स्पेशल ऑफर के तहत यूएस पोलो में 2 आइटम लेने पर 1 आइटम फ्री, 3 आइटम लेने पर 2 आइटम फ्री और 1 आइटम लेने पर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा 15,000 रूपए की खरीदारी पर 3,999 का नॉइस स्मार्ट वॉच मात्र 299 रूपए के एक्स्ट्रा पेमेंट पर दिया जा रहा है। तो अपने लुक और स्टाइल को बहुत शानदार बनाने के लिए आज ही पधारे अरविंद स्टोर। पता याद रखें, गोदरेज शोरूम के निकट, शांति कमर्शियल, बड़ा चौक, गिरिडीह।